गाइज व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास एंड हमारा आज आखिरी क्लास है एमसीक्यू का जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो हमारे सारे एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे तो आज की जो क्लास है आज का जो टारगेट है वो है क्वालिटी कंट्रोल वाला देन प्लानिंग

प्लानिंग है जनरल ऑडिटिंग एंड रिव्यू है सॉरी प्लानिंग है जनरल ऑडिटिंग है एंड रिव्यू आई थिंक रिव्यू मैंने करवा दिया था ना आपको चलो एक एक उठा दें पहले अपन उठा दें जनरल ऑडिटिंग पेज नंबर है 2.47 2.47 आई होप आप सब की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी तैयारी बहुत अच्छी चलोगी तैयारी जीत की आई थिंक क्वालिटी कंट्रोल पेंडिंग रिव्यू हमारा हो गया था तो पहला भी हम लोग कर रहे हैं हमारा जनरल ऑडिटिंग आ जाओ

नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सच ऑनलाइन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में लीड टू फाइंस एंड इवन सीलिंग ऑफ प्लांट वो नॉन फिनेशियल कंप्लाइंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन वेरीफाइंग देर उल डेट ऑफ कम टू नोटिस एट प्रोविजन ऑफ लॉ पर्टन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर दिखा नॉट बिंग अदर टू नॉन कंपलाइंस ऑफ लॉज दिखाए काइल्ड लेबर इन फ्रेग्रेंट वायलोशन ऑफ दूलिंग दिसार्ड दल्सो एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ इट टर्न ओवर कंपनी ऑल्सो एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ इट टर्न ओवर and matter has gone unnoticed in the compliance or carried out by agencies of overseas buyer take okay. considering the description of disproportionate rise in the inventory quantities which of the following is not likely not not likely to be appropriate response to outline the assess risk of material measurement due to fraud मेरे को क्या दिखा है वहां पर इन्वेंट्री बढ़ चुकी है वहां पर डिस्प्रपोर्शनेटली एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स एंड वहां पर क्या दिख रहा है कि वो फ्रॉड है फ्रॉड तो है वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात नहीं होगी नॉट लाइकली बताओ इसमें से कौन सी बात नहीं होगी चूज आंसर वन का लग रहा है बी वन का बी आफ्टर प्रायर इंटीमेशन से आपको कैसी अपन को देख रहा है कि फ्रॉड है तो आप उसको इंटीमेट करके क्यों जाओगे बिना इंटीमेशन के जाओगे ना आप तो? तो बराबर का बी been concluded बीन कंक्लूडेड बाय द there इज नो रिस्क ऑफ material misstatement ड्यू टू फ्रॉड रिलेटेड टू रेवेन्यू recognition. ऑफ द फॉलिंग इज मोस्ट अप्रोपरेट इन दिस ऊपर नॉर्थ है यहां पर बोल रहे हैं मोट अप्रोप्रेट कौन सा है बहुत इजी है नंबर टू बहुत इजी है बहुत इजी टू का ये डॉक्यूमेंट करो The question was not on the laws and regulation revenue collection fraud pain. Question was on documentation. ka A. 3. Which of the following most appropriate describes the responsibility of the order in compliance with state pollution control legislation? Sufficient evidence needs to be obtained by the order to verify the compliance.

ए नैं पूजा कह रही है सी बाकी सब कह रहे हैं ए। ईशा e. अमित ने भी सी बोला मार्किंग इन फॉर अदर्स फोर्थ बहुत इजी है। चाइल्ड लेबर द ऑर्टर ऑब्जर्व नॉन कंप्लेट ऑफ लॉस प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर विच इज मोस्ट ऑफ़ एक्शन फोर्थ फोर्थ का आंसर क्या आएगा लॉजिकल है इफेक्ट ऑन दी एफएस आप चेक करोगे इफेक्ट ऑन दी एफ सीधा मॉडिफाई नहीं करते का इम्पैक्ट चेक करो दे मॉडिफाई करते हो फिफ्थ मोस्ट अप्रूव अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एज पर ऐसे टू फिफ्टी फिफ्थ फिफ्थ का आंसर इजी है डॉक्यूमेंटेशन में क्वेश्चन है विभूतु जी कह रही है सी विभूति सिंह सी मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठ रहा है डी आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड दोनों को डॉक्यूमेंट करना होता है बी ए ये रॉन्ग ए सी है और का सी फाइव का डी थ्री का सी सर सपिशियंट अप्रोपेट एविडेंस नीड्स टू बी ऑप्टेन बाय ऑडिटर टू वेरीफाई कंप्लायंस यहां पर क्या बोल रहे हैं ओनली इंक्वायरी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट पर्सन एंड रिव्यू ऑफ विद टू वेरीफाई विदर्साइजाई देंट सर ये क्या हुआ था अगर आप पहले देखोगे इट इज कम टू हज नॉलेज रिक्वायर टू इंस्टॉल ऑनलाइन एयर पॉल्यूशन कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम अब ये चीज जो है वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रही है इनडायरेक्ट इंपैक्ट है ठीक है ना क्योंकि इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या क्या होगा सर फाइन लगेगा मैनेजमेंट तो ने लगाया है कि नहीं लगाया जो मोस्ट अप्रोपेड बैठ रहा है कि आप मैनेजमेंट से पूछोगे ना कि लगाया है, लगा है कि नहीं लगाया एंड जाके उसका पेपर चेक करोगे कि अच्छा लगाया होगा तो मतलब मंगाया होगा मंगाया तो जाके मैं क्रॉसफॉर्स चेक करूंगा तो थर्ड का आंसर इज सी थर्ड का आंसर इज इस सी किसी को भी पांचों में से किसी और पे कोई डाउट एनी डाउट ऑन ईदर ऑफ इट Anybody guys, गाइस एनी डाउट ठीक है एक और चैप्टर हो गया आपका अब आ जाइए ऑडिट प्लानिंग पर सो नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज प्लानिंग रिव्यू हम लोग कर चुके हैं रिव्यू हम लोग कर चुके हैं पेज नंबर है थ्री पॉइंट फाइव फोर थ्री पॉइंट फाइव फो अच्छा मैंने अभी है ना ग्रुप में मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी टेलीग्राम पे भी मैंने वो शेयर कर दिया सारे कंपाइल इंटीग्रेट एम सी अपना एक स्टूडेंट है जयदीप उसने कंपाइल करके दिया है सारे इंटीग्रेट एम सी क्यू एवरीबडी शुभ भी थैंकफुल टू जयदीप उन्होंने कंपाइल करके दे दिया है एंड मैंने उसको ग्रुप में सबके बेनिफिट के लिए शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर भी शेयर किया व्हाट्सएप पर भी शेयर किया इसमें सारे चैप्टर्स के इंटीग्रेट एम एक साथ आ गए हैं ठीक है तो आप वो से कोई अगर ऑफिस जा रहा होगा आपका भाई बहन बंधु अगर आप भी जा रहे हो तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा कुछ पचास पेज की शीट बनी है

वन ऑफ कंट्रीज वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रांड्स अबाव सेड कंपनी इज इन द बिजनेस प्रोड्यूसिंग बॉल पे जेलपेन मार्कास फोल्डर सच जनरल स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हमको क्या फायदा हम तो ऑफिस से वैसे भी धापते हैं हमें क्या फायदा बिजनेस प्रोफाइल द कंपनी इंक्लूडिंग इज ब्रीफ हिस्ट्री डिटेल ऑफ के एमी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज वज ऑप्टेन बायर शी ऑल्सो स्टडीड रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया स्टेशनरी मार्केट ड्यू टू ग्रेटर डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव एन स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान

the compliance with independence requirement and verification of integrity of promoters and KMP has been ensured by C Anuthi. In this regard, which of the following is a complete statement? तो अगर आपको एसेज आते होंगे तो उसका यूज करते आपका ये आंसर बनेगा चूज फर्स्ट का आंसर चूज गाइस बिच वन इज मोर अप्रोप्रिएट इंटीग्रिटी वो सब चेक करनी हो तो ऐसे 220 में लिखा हुआ ये तो क्लियर है तो बचता क्या है बी और सी बी और सी में से तो चूज कर लो आपको मिल जाएगा प्लानिंग की बातें कहां लिखी हुई है ऐसे तीन सौ में तो मोस्ट अप्रोप्रियटली कौन सा बैठ रहा है सी बैठ रहा है सी टू द ऑडिटर एज ऑपटेन्ड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी विच द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीड करो मैं भी रीड करता हूं I got the answer. Number two. अंडरस्टैंडिंग एंटीटीमेंट तो ऐसे थ्री वन फाइव में लिखा था, क्या फायदा होता है उससे अपन रिस्क ऑफ मटेरियल मिश्र में निकाल पाते तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रहा है वो आपका बैटर है टू का ए टूका ए का ए। 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 थर्ड विच ऑर द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू ए प्रोसीड फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द कंपनी कंपनी को समझने के लिए अभी तो ये कोई, कोई के शडी में से नहीं है कोई कहानी में से नहीं है कोई शर्ण में से नहीं जनरल कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द कंपनी थर्ड सब प्रेस रिपोर्ट से कंपनी समझ सकते हैं लिस्टेड कंपनी अगर होगी तो सेबी के रिक्वायरमेंट्स से हम कंपनी के बारे में समझ सकते हैं कह रही है बी फ्रेश मनी रीज फ्रॉम पब्लिक तो उससे अपन समझ सकते हैं कि डेट ओरिएंटेड है कि इक्विटी ओरिएंटेड है सेंडिंग कन्फर्मेशन लेटर फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस सीकिंग कन्फर्मेशन लेटर तो उससे पैसा समझ सकते हैं बैलेंसेस प्रणव ने डी बोला है, ट्विंकल ने डी बोला है तीन लोग बी कह रहे हैं बाकी लोग बाईसी हो गया ये तो अब बहुत कंफ्यूजिंग है एक बे त्रन चार चार ये पांच बी पांच डी आ गए वी गो विद डी मार्किंग इट फॉर अदर्स एक बार फोर्थ

ये इट फॉर्म ऑर्डर्स इंटेंशन टू तो आइडेंटिफाई रिस्क रिगार्डिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फॉर्म पार्ट ऑफ वॉट स्ट्रैटेजी प्लान कंट्रोल्स या डिटेल्स रॉन्ग जाएगा शायद आप लोग कहेंगे कोशिश करो चूज एनी ऑप्शन जो भी तुमको अच्छा लग रहा है लोग कुछ भी कह ए बी डी ए बी डी ए बी डी बी ए मैं डी लिख रहा हूं मार्किंग इट फॉर अदर्स फिफ्थ बहुत इजी है इन रिलेशन टू द मेटेरिटी लेवल फॉर द एफ एस होल विच द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रॉन्ग प्रायर टू दिफोर हो गया आफ्टर परफॉर्मिंग रैप एट द टाइम ऑफ डिजाइन टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड सबस्टैंड प्रोसीजर फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर क्या आएगा बताओ बी मार्किंग इट फॉर अदर्स बी सो वन का है सी टू का है ए थ्री का डी क्या है डिस्कस करेंगे उसके बाद फोर का है ए इसको डिस्कस करेंगे फाइव का है बी देखो अभी

फ्रेश मनी से क्या डेट ओरिएंटेड है कि इक्विटी ओरिएंटेड है सर कंफर्मेशन लेटर से वो बोल रहा है कि बैलेंसेस मैच हो रहे तो बैलेंस मैच होने से कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा बराबर तो ये बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी अ प्रोसीजर तो क्या थ्री का डी वो नहीं फोर्थ सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क इंपर्टिंग टू इवेंट्री वैल्यूशन फॉलोइंग इज टू बी ट्रू इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट प्लान कैसे काम करना है क्या करना है देखो जो रिस्क की बात आती है तो हमेशा वो प्लान का ही पार्ट होता है पहले स्ट्रेटजी बनती है फिर प्लान आता है तो स्ट्रैटी हो होगी हमको ऑडिट करनी है हमको ये एरिया चेक करना है अब उसमें क्या होगा थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड कि हम लोग को इन्वेंट्री में क्या करना पड़ेगा उसके वैल्यूशन चेक करने पड़ेगी तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्लान तो फोर्थ वाला एमसीक्यू इंटरेस्टिंग है ठीक है ना फोर्थ इज अ पार्ट ऑफ प्लान कोई एमसीक्यू में किसी को डाउट कौनो डाउट किसी को एक और चैप्टर हो गया तेरा चौदह चौदह चैप्टर करवा दिया मैंने आपको फिफ्थ बेटा प्रायर होगा ना आप मटेरियल का जज करते हो जब आप काम शुरू करते हो ना तो शुरू करने से पहले आप रिस्क चेक कर रहे हो तो अपन मटेरियल का डिसाइड करते हो बिफोर वी शर्ट आप ऑडिट पढ़ने जा रहे हो आप सी के एग्जाम में रहे कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यू विल डू इट बिफोर होली ना मटेरियलिटी टू बी मटेरियटीड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ राम उसके हिसाब से तो आप बताओगे ना कि ये मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है ये रिस्की चीज़ है या नहीं है इट इज प्रायर ठीक है लास्ट इज योर क्वालिटी कंट्रोलिंग्स इसमें है नहीं Nicole. One minute. Huh?

It has been contended by the auditor that audit was properly planned. He has further stated that it is not practically feasible for a firm of small size to prepare a detailed audit plan. Most appropriate, choose Kichi. Audit was in fact planned as evidenced by audit submission. Although the auditor has no record of plan, it is, does not affect compliance with SA-220. Since the auditor has no record of plan, it goes on and shows non-compliance with SA-220. Audit in fact planned as evidenced by audit submission. However, there is an exemption for small CA firms Doing away with cumbersome documentation related to audit plan. Choose the most appropriate. Tough. Choose the most appropriate. C. One is C. Two. The order has reasoned that the ROM has to be assessed has been assessed to be low based upon his understanding of the company and is a matter of professional judgment. Choose the most appropriate from the below. सेकेंड का क्या आंसर है? नॉन कंप्लेन्ट्स ऑफ एसए टू ट्वेंटी को आप रॉम तक पहुंचे हो पर कहीं ना कोई रास्ता होगा ना तो वो आपको जनरली बताना पर तब कैसे रॉम आया था ये रिस्की नहीं था कोई ना कोई तो बेसिस होगा ना। तब चलो मैनेजमेंट को नहीं बताओगे पर अथॉरिटी को तो बताओगे लग तो यही रहा है थर्ड द ऑर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्यूसीआर आई गॉट माई आंसर थर्ड का आई गॉट माई आंसर आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग वो मुझे दिख गया गाइस थर्ड का आंसर क्या है थर्ड का ए लॉजिक सर लिस्टेड कम नहीं है क्वेश्चन में बोला हुआ ये रहा ना लिस्टर कंपनी लिस्टर कंपनी में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना मैंडेटरी है बाकी सब गया बाढ़ में तो, तो इज मैंडेटरी बस वो पकड़ के चलने का मैंडेटरी है थ्री का ए ये एसएमए लिखा हुआ है आपके फोर्थ कंसीडरिंग द ऑर्डर रिप्लाई रिगार्डिंग द एरर्स इन डेटा फीडिंग एंट्री बाई जूनियर स्टाफ इन रिलेशन टू एस विच आर द फॉलोइंग इज प्रॉपर Such are examples of clerical errors encountered during preparation of report. There is no question of non compliance of SA 220. Such examples are. Ex, uh, such are examples of clerical errors encountered during preparation of reports. There is no effect on the order's opinion, and consequently question of non compliance. Such are examples are serious lapses on the part of the order showing non compliance. Such are examples of serious lapses on the part of auditor. These are not ready to comply with SA 220. Out of the box question. आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बताइए इंडिया एप्लीकेबल था वहां पर ए एस दिखा दिया और का सी सी ठीक है फिफ्थ अगर आपने कहानी पढ़ी तो वहां पर दिख रहा होगा आपको कि उसने बहुत सारी गलतियां की है ये मैं आपको हिंट देता हूँ कि उसने बहुत सारी गलतियां की है और एस 1 सी वन तो ऑडिट में भी लगता है रिव्यू एंगेजमेंट में लगता है कंपालिशन में सब में लगता है सब में लगता है भाई एसक्यूसी वन तो बाप है ना फाइव कईज बी फाइव का इज बी सी सी ए सी बी सारा राइट है मुझे सारा राइट है कैसा लगा जितने भी चैप्टर्स के आपके एम सी क्यूज आ रखे थे इंटीग्रेटर वाले वो मैंने सब आपको चार क्लास में मिला के करवा दिए तो देखो वही टारगेट है अपना पंद्रह मिनट में दस से पंद्रह मिनट में होता है और जहां पर मैं लाइव ले रहा हूँ आप यूट्यूब पर मुझे आंसर कर रहे हैं जब आप खुद से करोगे तो मैं कहता हूँ अगर हमने दो मिनट भी एक एम सी क्यू भी दिया तो आपका दस मिनट में पांच एम सी क्यूज होते हैं ये बड़े वाले एम सी क्यूज छोटे वाले तो आपके एक मिनट में हो जाने चाहिए तो टारगेट एक मिनट का रखना चाहिए ये आपके दो मिनट में एकदम इज्जत में होते हैं आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सेम एम सी क्यूज होंगे बट ऑन सिमिलर आपको एग्जाम में एमसीक्यूज दिखेंगे कैसा लगा गाईस? मजा आ गया तो लाइव सेशन अभी एमसीक्यू रुक रहे हैं अपन खत्म हो गए सारे एमसीक्यू अभी मेरी तरफ से क्या आएगा आपको मैराथन वीडियो आएगा वो और एक बैंक का वीडियो आएगा वो अभी आ जाएगा दो तीन दिन में तो जैसे ही आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा एंड वो यहाँ पर यूट्यूब पे दिख जाएगा सो पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब यू कैन सब्सक्राइब तो जिससे आपको अलर्ट मिल जाए ऑडिट uh, में अपने को छुट्टियाँ बहुत है बीच बीच में दिखाओगे ना अपने ऑडिट में अभी जो करंट टाइम टेबल है अपना तो करेंगे रिविजन कुछ ना कुछ तो प्लान वो बार वो, सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए इंश्यूट की तरफ से भी तो तब मैं आपको प्लान करके बता दूंगा अच्छा जिन भी बच्चों को नए चैप्टर्स के नए चैप्टर्स के अगर आपको नोट्स चाहिए जो नए वाले चैप्टर्स हैं यू गो टू ले डॉट इन यू गो टू फ्री रिसोर्सेस ठीक है इसमें आपको मिल जाएगा विवेक कुमार मटेरियलिटी का खुद से करने का कारो ट्वेंटी ट्वेंटी ये हमारे लिए काम की चीज़ है और नीचे आपको मिलेगा सारे ये नीचे के जो छः आठ सौ सीरीज एस आर एस एस ए सीरीज ई एस जी एस आर सीरीज एंड डिजिटल ऑडिट दीदी वो खुद से अर्पिता इसके अलावा कोई और एमसीक्यू दीदी देखो अभी तक आई से, से कुछ और एमसीक्यूज आई नहीं है आर टी पी आई आर टीपी कर लो एम टी पी आई एम टी पी के कर लो, MTP MTP के कर लो। तो इवन इफ यू इव प्रैक्टिस एमसीक्यूज ठीक है थाउजेंड वन आ सकता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन ने क्या किया एटलीस्ट पांच पाँच कर लिए अपन ने करीबन पचास सौ एमसीक्यूज कर लिए तो इसमें क्या दिख रहा है कि किस लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख लो कई भी मॉड्यूल से लाइन उठ के नहीं आ रही है क्या आ रही है कॉन्सेप्ट ठीक है अमित कुमार पाल व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट फॉर इट इज ओनली फॉर द द पीपल हु हैव टेकन लाइव बैच उनके लिए वो ग्रुप है वो एग्जाम के बाद डिसॉल्व हो जाता है सब लोग फिर टेलीग्राम पे रहते हैं जिन्होंने लाइव बैच लिया था एसएफटी का उनका ग्रुप है वो और जिन्होंने रेगुलर लिया रखा है लाइव उनका बाकी सबके लिए अपन टेलीग्राम पे मैं टेलीग्राम पे जब आप डाउट पूछोगे मुझे तो मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ इसीलिए तो आ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट के एम सी क्यू तो इवन इफ यू प्रैक्टिस थाउजेंड एम सी क्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड अर्पिता आपका दिख रहा है मुझे यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन एम सी क्यू से गलत है वो सोच अगर आपके तीस के तीस मार्क् एम सी क्यू में अगर आपने राइट दे दिया तो भी अब सी ए फाइनल क्लियर नहीं हो गए योर कॉन्सेप्ट योर योर लॉजिक योर एनर्जी शुड बी ओनली ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव स्ट्रांग है ना तो डिस्क्रिप्टो तो अच्छा ही अच्छा है साथ में अपना एम सी क्यू भी अच्छा हो जाएगा सो अंटेनलेस यू डोंट फोकस डोंट फोकस ऑन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू आर एम सी क्यू विल नेवर बी क्रैकड और जितना आपने अगर डिस्क्रिप्टिव अच्छे से कर रखा आई थिंक आप अर्पिता लाइव बैच वाले हो राइट तो अपन ने डिस्क्रिप्टिव पूरा डिटेल में बात की है, सारी आंसर्स याद करवाए है, लिखवाए हैं तो उनको तो ढंग से करो अगर वो अगर होता है तो आप एम सी क्यूज इज्जत में कर लोगे तो इस मोमेंट पर अभी जब एग्जाम एक महीना दूर है अब आपको और कोई एम सी क्यू नहीं करना है हाँ आर टी पी वाले कर लो कोई ऑथर का कोई टीचर का वेस्ट वाला मत करना क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि वो राइट right है कि वो रॉन्ग है आईसीए का ये तो होगा होगा कि राइट right हो, हो सकता हम कह सकते हैं पर परसेंट आईसीए वाले होंगे आईसीए कोई नया एमसी निकालते हैं वो कर लेंगे और कोई और टीचर भी जगह करने का जरूरत नहीं अभी खाली अभी आपको क्या कॉन्सेट करना है कि किसी भी कीमत पे आपको जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो बिकॉज फाइनल से आप देख लीजिए जो अपने एमसीक्यूज की है, ये सारे लॉजिकल कल पर जैसे भी वो मैंडेटरी वाली बात आई अब वो कहीं भी लिखी हुई नहीं है मतलब इसके स्टडी में कि लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी होता है अगर आपने वो पढ़ रखा ऐसे टू ट्वेंटी तो वहां पर लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनी में एक्यूसीआर मैंडेटरी होता है तो आप इजीजी आंसर कर पाओगे जो पांचवा एमसीक्यू था वो पांचवा एमसीक्यू में आपकी इंटरप्रिटेशन थी यहाँ दिख रहे ना सामने सामने की इतना गलत कर रखा तो एसक्यूसी वन भी फॉलो नहीं किया टू ट्वेंटी भी फॉलो नहीं किया एसक्यूसी वन वो बोलता है फॉलो नहीं करने का क्योंकि मैंडेटरी होता है अरे एसक्यूसी वन तो माई बाप है सबको लगता है ऑडिट एंगेजमेंट के लिए रिलेटेड एंगेजमेंट रिव्यू एंगेजमेंट के लिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए सबके लिए लगता है वो तो सो योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द अगेन आई एम टेलिंग यू फोकस ऑन आईसीटी आईसीए के टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज एमसीक्यू मैंने आपको करवा दी सामू ठीक है तो जैसे बैंक वाइट अपलोड हो जाएगा कोई और मैं लाइव सेशन प्लान कर रहा हूँ आई विल अपडेट यू आई विल अपडेट यू ऑन द दूट्यूब टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है अभी कीप ऑन रिवाइजिंग उन्नीस देखो अगर आप तो देखो कि अपनी बुक में उन्नीस हैं ठीक है अपनी बुक बुक में में मेन सी इवन इफ यू डू वन चैप्टर वन डे उन्नीस दिन में आपका सिलेबस एग्जाम में खत्म होता है ये तो मैं रिवाइजिंग कर रहा हूं अगर आपके पास ताकत है तो आप सुबह एक चैप्टर करो शाम को एक चैप्टर करो तो मोटा माटी मान लीजिए नौ दिन में आप खत्म कर सकते हो कुछ छोटे चैप्टर्स भी होंगे तो मतलब नौ, तो नौ या दस तारीख तक मान लो आपको बाकी सब्जेक्ट से, से आप कर लीजिए पेपर तो दो तारीख को है ना बराबर ऑडिट में तो वैसे भी छुट्टी तो आपका दो बार ऑडिट रिवाइज हो जाएगा अप्रैल महीने में सुबह दो घंटा शाम को दो घंटा फिर वापस ट्वेंटी वन से लेके थर्टी करने का सुबह दो घंटा शाम को दो घंटा इज्जत में रिवाइज होता है ठीक है चलो सो वी मीट वेरी सुन जब हम कुछ लाइव प्लान करेंगे नहीं तो यूट्यूब मैराथन बैंक आई होप आप सबको फायदा हुआ होगा डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड अपने जूनियर्स कजिन्स जो भी एग्जाम दे रहे हैं सो मीट ट्वेंटी फोर के लिए अपना एस एफ टी है जहां पर डिस्काउंट चल रहा है थर्टी uh, परसेंट डिस्काउंट एंड किसी का अगर रेगुलर है रेगुलर बैच में भी हमने सोलह चैप्टर्स खत्म कर ले पंद्रह चैप्टर्स खत्म कर दे चार बच्चे जो नवंबर चौबीस मई पच्चीस है तो वो लाइव चलता है सुबह सात से दस उसके बाद मैं फिर यूट्यूब पर आता हूँ तो सुबह सात से दस चल रहा है वो तो आप रिकमेंड कर सकते हो अक्षय पूछ रहा है हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम मल्टीपल फैकल्टी बहुत शानदार सवाल पूछा है बेटा जितने कम ऑप्शन लोगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो और जो भी आप ऑथर को फॉलो कर रहे हो आप खाली उन पे ध्यान दीजिए बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दीजिए ना बाकी सबको अनसब्सक्राइब सबसे पहले टेलीग्राम छोड़ दीजिए जो फालतू ग्रुप डाउट वाला एक ग्रुप में मैं भी हूँ ठीक है उसमें फिफ्टी टू थाउजेंड सी एफ एन के स्टूडेंट्स हैं फिफ्टी टू थाउजेंड सी एफ एन के स्टूडेंट जिसमें से एवरेज साढ़े तीन चार हजार लोग ऑनलाइन होते चार हजार बच्चा ऑनलाइन है टेलीग्राम पर एक महीने पहले सी एफ एन के एग्जाम के उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है और वो बच्चे सालों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं जितनी टेलीग्राम की गंदगी यूट्यूब की गंदगी से दूर हो उतना पास आप सी ए की डिग्री से रहोगे हर जगह से अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर दो आप जिस भी ऑथर को फॉलो करो जो भी टीचर को फॉलो करो उनको देखो बस दैट्स इट एंड आई सी आई उसके अलावा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है भाई कोई बुक कोई हैंड रिटर्न नोट कोई चार्ट नहीं है फता कुछ काम का नहीं है आई सी मटेरियल दैट्स इट भगवद गीता बाइबल कुरान है आपका ओके चलो चलता हूँ दुआ में याद रखना सब भी लाइव सेशन प्लान होगा आई अपडेट यू वेरी सुन आल बी अपलोडिंग बैंक बैंक आई थिंक दो दिन में आ जाएगा खाली दो सेशन बचे उसके एंड uh, मैराथन भी आ जाएगा सबके थंबनेल बन चुके हैं एडिटिंग हो चुकी है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पार्ट पेंडिंग खाली बाय गाइस टेक केयर एम फॉर अ रैंक और सेवेंटी प्लस विच एवर इज